Hey you guys, welcome back to my channel. This is me, Prachi, the girl with curl. And guys, thank you so much for giving so much of love. You know, it really means a lot to me. So today we are going to explore this awesome place, which is National Handicraft Museum in Pragati Maidan, New Delhi. And guys, I'm telling you, this is kind of a complete package you're gonna explore today with me. Okay, so let's just start. सो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स थे जहाँ पे हमें बहुत ही सारी हैंडमेड प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस वन. ये जो साड़ीज़ हैं, दिस इज़ कॉल्ड लाइक चंदेरी साड़ी, विच इज़ अ ट्रेजर्ड हैंडलूम. इट्स एन आर्ट फॉर्म ऑफ मध्य प्रदेश. सो द फैब्रिक क्वालिटी वॉज वेरी लाइट वेट एंड द सिल्क कॉटन वर्क, यू नो, मेकिंग इट मार्वलस एंड रॉयल एट द सेम टाइम. दो दी कॉस्ट मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा लगी है, विच इज़ 11,000 रुपीज़. बट आई थिंक इट यू नो मैचेज द क्वालिटी एंड हार्ड वर्क ऑफ वर्कर्स, आई गेस. या सो यहाँ पे और भी सारे पैटर्न्स थे, भैया ने मुझे बताया, एंड बहुत ही फैबुलस थे. तो हमारे पास और भी बहुत सारे हैंडमेड आइटम्स थे. लाइक यू कैन सी दिस वन, द क्यूट जर्नल, आई रियली लाइक इट. मतलब बहुत ही प्यारा था ये, आई एम टेलिंग यू. या राइट आर्यन, वाई नॉट. ओके, सो यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे लैम्प्स भी थे, जिसे हैंडमेड लैम्प्स थे एक्चुअली, वो जिसे आप अपने लिविंग रूम के सेंटर में लगा सकते हैं, तो एक बहुत ही हैपनिंग सा, वाइब्रेंट सा लुक देता वो आपके घर को. एंड लाइक हैंडमेड बैग्स वर देयर. जनरली हम लोग अच्छे से परचेज करते हैं, तो यू नो वेल, लाइक इट कॉस्ट अराउंड 300 to 400, लाइक दिस वन ना. सो दिस पिंकिश वन आई रियली लाइक इट पर्सनली, मेरी ड्रेस से मैच कर रहा था ये. बट लाइक अगर आप इसे लिविंग रूम में अपने लगाते हैं, यू नो, बहुत ही पिंकिश सा लुक देगा वो आपके लिविंग रूम को, दैट्स रियली कूल. बहुत ही क्यूट क्यूट जर्नल्स थे, आई कॉन्ट इवन टेल यू. तो दिस वन, यू नो, इसका जो लुक था बहुत ही प्रिटी था, आई रियली लाइक दिस वन. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस प्लेस, दिस प्लेस इज़ इन प्रगति मैदान, एंड अगर आप मेट्रो स्टेशन से आते हैं तो इट विल टेक अराउंड 1.4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप इजीली आ सकते हैं, दिस रियली कूल. सो दिस शॉप आई रियली लाइक इट, यू नो, मतलब मुझे तो ऐसी ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो हर एक ड्रेस के साथ, यू नो, मैच कर देती है. एंड यू नो दीज क्यूट लिटिल डोर डेकोरेशन आइटम्स आर देयर, बहुत ही प्यारे थे, एंड ये सब भैया ने अपने हाथों से बनाया था, इट वॉज़ रियली कूल. सो वी हैव यूज यू नो पेंटिंग्स एज वेल. वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स थी, इनका नाम मुझे भैया ने बताया था, इसका नाम कुछ था कलमकारी करके. ओके, तो मतलब आई एम नॉट इन टू पेंटिंग्स एंड ऑल, बट यू नो इट वॉज़ रियली इंटरेस्टिंग कि भैया किस तरह से मुझे बता रहे थे इसके बारे में. तो इस पेंटिंग का नाम है कलमकारी, एंड मधुबनी का है ये वर्क. एंड यू नो भैया को इसको बनाने के लिए 30 days लगे थे, कैन यू इमेजिन. मतलब फिर मैंने जब उसे ध्यान से देखा तो जो फिनिशिंग एंड ऑल थी वो बहुत ही प्यारी थी. तो 30 days, यू नो, हार्ड वर्क इज ऑफ, इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग. सो दैट वॉज इट. एंड मूविंग फर्दर, इफ़ यू आर प्लानिंग टू एक्सप्लोर दिस प्लेस, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द बेस्ट प्लेस यू कैन एक्सप्लोर. You know, you can find many cute things here, like these kind of a wind chimes, you know. This one, I personally really like it. It's so colorful it is, you can see here. I really like this one. तो हमारे पास और भी यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, लाइक दिस चावल के दाने पे ये आपको नाम लिख के देने वाले हैं, सो राइस ग्रेन थिंग, एंड ये एज इट इज़ ही रहेगा. मतलब आप कितने टाइम तक ही अपने पास रखिए, वो आपके पास वैसा ही रहने वाला है. तो द रीज़न बिहाइंड इट, ये जो इसमें फिलिंग लिक्विड यूज़ करते हैं वो है वेजिटेबल ऑयल. भैया वॉज लाइक, मेरी शॉप को आप प्रमोट करने वाले हो बहुत ही अच्छे तरीके से. तो गाइज, यू कैन गो देयर एंड यू नो यू कैन हैव दिस क्यूट गिफ्ट्स, और आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को दे सकते हैं, विच इज़ रियली कूल. सी दिस इज़ हाउ ये लिखा जाता है, एंड देन उसके बाद कोई भी आप पेंडेंट ले सकते हैं या कोई की चेन ले सकते हैं, उसमें भैया आपको ये डालकर लिक्विड में दे सकते हैं, लाइक दिस वन आई एम शोइंग यू हेयर. सो इट्स रियली कूल, आई रियली लाइक इट. सो यू कैन प्लान योर विजिट हेयर एंड गेट दीज क्यूट गिफ्ट्स फॉर योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, इट्स रियली हैपनिंग, दे विल लाइक इट.
So like if you're talking about the, you know, timing and all, you can come here by like 10 to 6 is the timing. Okay, आप 10 से 6 के बीच में आ सकते हैं कभी भी. मंडे क्लोज रहता है गाइज, सो मेक श्योर आप मंडे ना आए. एंड दी अदर थिंग इज, आपको यहाँ पे जू और द लेक, लाल किला सब पास ही मिल जाएगा. तो इट्स यू नो रियली हैपनिंग थिंग. एंड आप अगर प्लान भी करते हैं तो सारी चीज़ें एक दिन भी कवर कर सकते हैं, तो इट्स गुड. एंड दी अदर थिंग, वी हैव दिस टिकट काउंटर. येस, टिकट काउंटर ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत भीड़ लगी है वहाँ पर, बहुत रश है, ऐसा सच नहीं था. बहुत ही अच्छे से मेनटेन किया हुआ था. दी प्राइज वॉज ओनली 20 rupees. इट वॉज क्वाइट अफोर्डेबल, सो आई रियली लाइक इट. वी हैव द फ्यू म्यूजिक एंड डांस ऑल्सो. Guys, वहाँ पे like म्यूजियम भी है, तो यू कैन एक्सप्लोर म्यूजियम एज वेल. एंड यू नो दिस म्यूजियम, आपको वहाँ पे बहुत ही आर्टिस्टिक चीज़ें देखने को मिलेंगी. आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर इनटू आर्ट्स एंड हिस्ट्री एंड ऑल्सो यू रियली लाइक इट. एंड दिस प्लेस इज लाइक, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे विच इज़ मेड अप ऑफ क्ले, ब्रॉन्ज, यू नो कॉपर, दिस टाइप ऑफ स्टफ. एंड यू नो इट वॉज सेट अप ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years, सो इट्स रियली कूल. यू कैन यू नो सी दीज थिंग्स लाइक देयर, सो रियली हैपनिंग. अगर आप हिस्ट्री या आर्ट पढ़ रहे हैं तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे उन चीज़ों को, क्योंकि इतनी पुरानी चीज़ें हैं एंड इतनी प्यारे तरीके से बनी है, एकदम बहुत ही फाइन तरीके से बनाया हुआ है उन लोगों ने. इट वॉज रियली कूल. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फूड, सो येस वी हैव द ऑसम प्लेस हेयर, द कफे लोटा. येस, मतलब ये प्लेस आई एम टेलिंग यू, ये मेरा फेवरेट प्लेस है सच में. मतलब मैं यहाँ पे, मुझे भी नहीं पता मैं कितनी बार जा चुकी हूँ. सो दिस टाइम आई थॉट ओके लेट मी जस्ट शेयर दी दिस हैपनिंग प्लेस विद यू गाइज एज वेल. ओके, सो आप यहाँ पे आते हैं तो आई विल शो यू दी प्लेस, वाइब्रेंट एंड ऑल. इट्स रियली कूल, बहुत ही हैपनिंग सी जगह है ये. ओपन एरिया काइंड ऑफ चीज़ है, लाइक ऐसा नहीं है कि आपको बंद बंद टाइप्स का फील होगा ऐसी. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी प्रिकॉशंस एंड ऑल, लाइक यहाँ का जो स्टाफ है सब ने मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, यू नो सब कुछ पूरी गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो की हैं. एंड दी फूड हेयर इज सो ऑसम, आई एम टेलिंग यू. द टी, और मतलब चाय से तो मतलब प्यार है मुझे. आई एम श्योर आप लोग को भी मेरी तरह ही चाय से बहुत ज़्यादा प्यार होगा. तो यू नो इतनी टेस्टी चाय थी यहाँ की, मतलब मेरा तो मन कर रहा है पीती ही रहूँ उसका. सो yeah, we have ordered few things like this one is corn patty. It was really cool with dhaniya ki chutney. I just love it. And this palak patta chaat, must try guys, must try, I'm telling you. So we have other things also, like you can try here chote chote ye cute cute burgers bana ke denge aapko, which is really cool, which is made up of bajra, like you can see here. It's really happening, the vibrant, the color, you know, the place is very cool, I'm telling you. So guys, you please you know plan your visit here and tag me if you are liking this thing, and please subscribe my channel, please follow me on Instagram. You know, this girl with curl, Prachi, thanking you. Thank you so much guys for all your support, it really means a lot to me. Thank you.